मुझे इस साल 3 साल हो जाएंगे बीइंग अ फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर, 10-12 साल एज अ फुटबॉल फैन। बट ये जो पिछले एक साल गया है ना, पिछले एक सीजन टू बी स्पेसिफिक, ये अपने आप में बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, क्योंकि इट वाज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने पूरी शिद्दत के साथ भाई साहब दिलो जान से मैच बाय मैच टीम बाय टीम इंडियन फुटबॉल को फॉलो करा, इंडियन क्लब फुटबॉल को फॉलो करा, चाहे वो ISL हो, आई लीग भी किसी हद तक मैंने पूरी कोशिश करी थी, नेशनल टीम भी, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप अप विद एवरीथिंग एंड थैंक्स टू द अपॉर्चुनिटीज आई गॉट, लाइक आई गॉट टू वर्क विद ISL, इंडियन नेशनल टीम के साथ भी आई हैड माई बिट्स एंड पीसेस। इन सारी अपॉर्चुनिटीज की वजह से ना आई हैव गेन्ड एक सर्टन एक्सपीरियंस जिसकी वजह से मेरे पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो पाई है। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे जेन्युइनली किसी ने नहीं बोला, बट वो लिस्ट मैं तुम्हारे साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि उस लिस्ट के ऊपर हर वो चीज है जो मुझे इंडियन फुटबॉल के बारे में करंटली पसंद है और नापसंद है। वो चीजें जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त हमारे देश के अंदर क्लब फुटबॉल वाइज, और वो चीजें जो बेहद बद्दी लगी मेरे को, बद्दी तो नहीं बट टेक्निकली बहुत काम रिक्वायर्ड है उनके ऊपर। एंड क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल के ऊपर ज्यादातर वो ऑडियंस है जो मेजोरिटिवली यूरोपियन फुटबॉल कंज्यूम करती है, तो प्रोबेबली ये लिस्ट ना तुम्हें प्रिपेयर कर देगी एंटरिंग इंडियन फुटबॉल इफ यू वॉन्ट टू। लाइक इस वीडियो के बाद तुम प्रोबेबली डिसाइड कर सकते हो इफ यू शुड स्टार्ट वॉचिंग क्लब फुटबॉल इन इंडिया, यू नेवर नो। दिस लिस्ट इज जस्ट बेस्ड ऑन माई पर्सनल ओपिनियन, मैंने कहीं इंटरनेट से कई कुछ पॉइंट्स नहीं देखे, मैंने किसी को ये लिस्ट दिखाई नहीं है। जो मेरे को लगा जेन्युइनली पिछले एक साल के एक्सपीरियंस है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, बीच की चीजें, बस वो तुम्हें इस वीडियो के अंदर दिख जाएगी। दे आर गोइंग टू बी 3 हेडिंग्स विच इज गोइंग टू बी बैड थिंग्स, sort of the things which could be bad could be good, you guys can be the decider of that and then the good things. तो भाई हम शुरुआत करेंगे with the bad list, and bad list के अंदर जो सबसे पहली चीज मैं mention करना चाहूंगा that is going to be the awareness. Awareness among fans, ठीक है, मैं example, मैं हर point example दे देके तुम्हें समझाऊंगा। तो इस point का for example, इस साल ISL में पंजाब के मैचेस दिल्ली में हुए थे JLN स्टेडियम में, एंड मेजॉरिटी एंड टिकट्स वर फ्री, तुम VIP की भी टिकट फ्री में ले सकते थे, क्लेम करने का एक तरीका हुआ करता था एंड उसके अंदर तुम्हें जेन्युइनली रिफ्रेशमेंट्स भी मिला करती थी। तो एक पूरा प्रोसीजर था जिससे तुम फ्री में आके मैचेस मेट्रो स्टेशन के पास स्टेडियम है, बिना ज़्यादा एफर्ट के आके देख सकते थे। नाउ एक बहुत डिफरेंट चीज़ होगी कि लोग आना नहीं चाहते, चाहे फ्री में भी लोग नहीं आना चाहते, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, चलो भाई ठीक है, बट लोगों को पता ही नहीं होता था। जब मैं जाता था, मैं स्टोरीज वगैरह डालता था मैचेस की अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो लोग मुझसे रिप्लाईज में पूछते थे भाई कब गया, कहाँ मिलती है टिकट, कितने पैसे किए, उन्होंने बताता था फ्री में है, वो हैरान हो जाते थे भाई, लोगों को पता ही नहीं होता था। मुझे खुद भाई मैंने 50-60 लोग तो मैंने भेजे हैं बता के कि भाई फ्री है, एंड वो सुनते ही कि फ्री है भाई, वो तो दौड़ के जाते थे भाई कि मेट्रो स्टेशन के पास मैच है, जाओ जाके देखाओ क्या हो गया भाई, वीकेंड पे सैटरडे संडे पे तुम्हारे 3-4 घंटे आराम से निकल जाएंगे शाम के। तो ये चीज़ें, इवन अगर तुम अक्रॉस देखोगे इंडिया, तो फुटबॉल मैच की टिकट ज़्यादा महंगी नहीं होती, हद पार करके भी तुम्हें 500-600 में बहुत महंगी वाली टिकट, भाई VIP जहाँ पे तुम्हें स्नैक्स भी मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, वो टिकटें मिल जाती हैं भाई कई स्टेडियम्स में तो, बट ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। इस लिस्ट पर जो सेकंड पॉइंट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंसी इन टीम्स। अब देखो, ये मेरा पर्सनली मानना है कि फुटबॉल के अंदर या इन जनरल स्पोर्ट्स के अंदर ना इंडिविजुअल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लाइक पर्सन टू पर्सन कनेक्शन ज़्यादा होता है। तुम प्रॉबली मेसी को देख के बार्सिलोना देखना शुरू करते हो, रोनाल्डो को देख के रियल मैड्रिड देखना शुरू करते हो, ऐसी तुम सुनील छेत्री की वजह से प्रॉबली बेंगलुरु देखना शुरू करोगे, लेकिन ये जो स्क्वाड की कंसिस्टेंसी है ये ISL के अंदर बहुत पुअर है। तो मेहदी तलाल को देखो फॉर एग्जांपल, वो पंजाब के अंदर आया, एक सीजन खेला, नाउ ही इज गोइंग टू गो एंड जॉइन ईस्ट बंगाल। नोआ 2 सीजन स्पेंड करे उसने गोवा के अंदर, नोआ ने गोवा के अंदर 2 सीजन स्पेंड करे, ही वॉज देयर बेस्ट प्लेयर एंड ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अक्रॉस द लीग। नाउ ही इज गोइंग टू लीव जस्ट 2 सीजन के बाद, एंड दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स। ये बहुत ऐसे जो अपने आप के अंदर ये जो ट्रांसफर होते रहते हैं ना ISL के अंदर, ये एक बहुत मॉकरी पॉइंट है, जेन्युइनली बहुत मॉकरी पॉइंट है कि वो गिने चिने कुछ प्लेयर्स होते हैं, वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उन्हीं प्लेयर्स के बीच में सारी टीमें खेलती रहती हैं, बट इस सब की वजह से ना स्क्वाड में वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती जिसके ऊपर एक कोच प्रोजेक्ट बिल्ड कर सके या फिर एक फैन बेस अपनी होप्स बिल्ड कर सके कि भाई ये प्लेयर हमारे साथ इतने सालों से है तो हमारे कनेक्शन बन चुका है इस प्लेयर के साथ। ये बहुत रेयर हो गया इंडियन फुटबॉल के अंदर, एंड मेरे हिसाब से ये बहुत हार्मफुल है। एक जो फैन कल्चर बनने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं, इंडिविजुअल्स हेल्प करते हैं, बट वो इंडिविजुअल्स को रिटेन कर पाना, आई गेट इट, फाइनेंशियली काफ़ी डिफरेंट रीजंस की वजह से फीजिबल नहीं हो पाता, बट एट द एंड इट इज़ अ वेरी बैड पॉइंट। इस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भी है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दे आर अ टीम जो कि अच्छे प्लेयर यूजुअली रिटेन नहीं करती ज़्यादा टाइम तक, ठीक है, दे आर अ काइंड ऑफ अ सेलिंग क्लब, उनकी मैनेजमेंट जिस तरीके से क्लब चलाती है, यू कांट ब्लेम देम फॉर दैट, बट देन एट द एंड अगर तुम उनके अटेंडेंस शीट फॉर एग्जाम्पल कंपेयर करोगे, तो जब ISL जस्ट शुरू हुआ था दे वर वन ऑफ द टीम्स जिनकी सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस हुआ करती थी, नाउ दे आर वन ऑफ द टीम्स जिनकी सबसे लोएस्ट अटेंडेंस होती है। तो भाई तुम वो फैंस का जो ग्रास था तुम्हारे ऊपर वो तुमने जाने दिया, क्योंकि तुम स्क्वाड रिटेन
ट्रेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी रेफरीज एंड वार। अब देखो भाई, मुझे नहीं पता कि दुनिया में ऐसी कौन सी लीग है जहां पर रेफरी को गालियां नहीं पड़ती है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के कुछ दिन पहले हमने चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल देखा है रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख का, एंड उसके अंदर भी आर्ग्यूएबली वर्ल्ड के बेस्ट रेफरी को, वो रेफरी जो वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर रेफरी करके आया था, उसे भी गालियां पड़ी हैं। तो आई गेट इट, रेफरीज को गालियां तो हर जगह पड़ती है, बट देन मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच जो मैंने नोटिस करा अपने पहले लाइक इतने एक्सक्लूसिवली सीजन के अंदर ऑफ ISL कि रेफरीज को बहुत टोका जाता है। एंड आई थिंक दिस थिंग कैन बी अवॉइडेड विद द इंक्लूजन ऑफ सिस्टम्स लाइक वार, क्योंकि एट द एंड अगर रेफरी का गलत डिसीजन होता है एंड वार उसे ओवरटर्न कर देता है तो कोई भी उसकी बात नहीं करता आफ्टर द मैच। पीपल जस्ट वॉन्ट कि अगर जो उन्हें लगता है कि ये सही है तो वो सही हो या गलत है तो गलत हो, लेकिन वो चीज़ें वार से ओवरटर्न करी जा सकती है जो भी है नहीं ये सिस्टम ISL के अंदर। कमेंट्री इज गॉन बी येट अनदर पॉइंट फॉर मी। अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, बट मेरा एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है कि वेन एवर यू आर वॉचिंग फुटबॉल ऑन TV, कमेंट्री डिक्टेट्स 90% ऑफ योर इंटरेस्ट इन द गेम इफ यू आर अ कैजुअल। मजाक से हटके इफ यू आर अ कैजुअल ना, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि मेजॉरिटी ऑडियंस कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने वाली इज कैजुअल, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हिप हॉप हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इट मैटर्स कि ज्यादातर ऑडियंस आर कैजुअल्स, एंड कैजुअल्स को रिटेन करने के लिए ना कॉमेंट्री, कैमरा एंगल, ये सारी चीजें, वीडियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड कॉमेंट्री इन ISL इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, लाइक इवन ILEAGUE के अंदर बहुत ये चीजें बहुत लैक करती है इंडियन क्लब फुटबॉल के अंदर, जो मेरे हिसाब से इंप्रूव करी जानी चाहिए। भाई आई एम नॉट गोना नेम एनीबडी एज सच, मैं कोई मैच का भी कोई पेन पॉइंट वगैरह नहीं करूंगा, बट मैंने कुछ ऐसे मैचेस भी देखे थे जिसके अंदर जो कॉमेंटेटर्स थे वो खुद मिसइन्फॉर्म्ड थे, वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे वो गलत थी, एंड वो देख वो ऑब्वियसली वो सुन के हंसी आती है भाई एज अ फुटबॉल फैन अगर तुम्हें वो चीज़ पता हो, बट ये चीज़ें बहुत मैटर करती है भाई। एक इंटरेस्टिंग कॉमेंट्री इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज हो, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाएगी तुम्हारा गेम के अंदर, क्योंकि जेन्युइनली स्पीकिंग एक इंटरेस्टिंग कमेंट्री एक 50 लेवल वाले मैच को भी 80 लेवल का दिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट फॉर मी इज गोना बी एक्सट्रीमिज्म इन फैंस। अब ये पॉइंट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने एक चीज नोटिस करी, ऑब्वियसली मैं काफी सारे फैंस वगैरह से मिला अक्रॉस द लीग जाकर, चाहे वो केरला के फैंस हो, मोहन बगान के, बेंगलुरु के, एंड मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेजॉरिटी फैंस जो इंडियन सुपर लीग देखते हैं और एक्सट्रीम है अपने क्लब के लिए लाइक अल्ट्राज हैं भाई, वो सिर्फ अपनी टीम के बारे में जानते हैं, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अब की लीग के अंदर और क्या चल रहा है। एंड ये मैं बात करूँ मेजॉरिटी फैंस के लिए, लाइक आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ये एक्सट्रीमिज्म सिर्फ अल्ट्राज के अंदर है, बहुत सारे फैंस के अंदर तुम जाओ एंड उन्हें जनरली सिर्फ अपनी टीम से लेना देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ गलत है, बट वो इस हद तक मिसइन्फॉर्म थे कि मैं जब उनसे बात करता था अबाउट द अदर टीम जो उनके साथ खेलने आ रही होती थी मैच, तो वो उन प्लेयर्स का नाम ले रहे होते थे एज अ थ्रेट जो या तो इंजर्ड होते थे या फॉर्म में ही नहीं चल रहे हैं, या कुछ एक दो लोगों ने तो उन प्लेयर्स का भी नाम लिया जो ट्रांसफर में छोड़ के जा चुके हैं, लाइक वो इस हद के, अगर उनकी टीम लेट से नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई नहीं करी है तो वो उनके मैचेस नहीं देखेंगे, विच आई फील लाइक इज, पता है ये पॉइंट के अंदर मेरे लिए बहुत बड़ी बात क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन क्लब फुटबॉल के अंदर ना काफ़ी लिमिटेड ऑडियंस है, वो ऑडियंस भी अगर कट जाएगी कि हमारी टीम का मैच नहीं है तो हम देखेंगे भी नहीं, हमें जानना भी नहीं दूसरी टीम के अंदर क्या चल रहा है या नॉकआउट्स के अंदर क्या हो रहा है अगर हमारी टीम नहीं पहुंची है वहां तक, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द राइट अप्रोच ऑफ बींग अ फुटबॉल फैन, ये मेरा पर्सनली मानना है। लेकिन अगर मैं बार्सिलोना फैन हूँ, मेरी टीम अगर चैंपियंस लीग से बाहर हुई है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं चैंपियंस लीग देखना बंद कर दूंगा, आई थिंक आई शुड वॉच इट, लाइक इट इज फुटबॉल एट द एंड एंड आई एम अ फुटबॉल फैन। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई कि हर टीम के फैन को बाकी हर टीम के मैच देखने चाहिए, दैट इज नॉट माई पॉइंट, द पॉइंट इज कि यू शुड एटलीस्ट बी डिसेंटली इन्फॉर्म्ड, या तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, या अगर तुम्हारी टीम नहीं भी खेल रही, बाहर भी हो गई है, तो तुम इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर प्रॉब्ली थोड़ा इंटरेस्ट दिखा सकते हो, जो मुझे लगा कि थोड़ा जिन फैन से मैंने इंटरेक्ट करा ये चीज लैक करती थी। नाउ वी आर गोना गो टू द लिस्ट ऑफ प्रोबेबली गुड प्रोबेबली बैड। ये वो पॉइंट्स है जो कुछ लोगों के लिए बैड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए गुड हो सकते हैं, मेरे पास बैड के भी रीजन है, मेरे पास गुड के भी रीजन है, तो मैं इन्हें किसी भी पॉइंट के अंदर डाल नहीं पाया, तो तुम अपने हिसाब से बांट सकते हो। इस लिस्ट में नंबर वन पॉइंट इज गोइंग टू बी द मनी। नाउ ऑब्वियसली वी डोंट हैव रॉ डाटा, वी डोंट हैव प्रूफ इस चीज के लिए, लेकिन एक कहा जाता है कि ISL के अंदर प्लेयर्स को बहुत पैसा दिया जाता है, इन प्लेयर्स को इतना पैसा दिया जाता है इस वजह से ये लोग इंडिया को छोड़ के बाहर फुटबॉल खेलने नहीं जाते, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल टीम या इंडिया के अंदर फुटबॉलर्स की क्वालिटी बहुत रिड्यूस हो रही है। दिस इज एक बहुत बहुत इंक्रेडिबल नोशन है ये जो क्लब फुटबॉल के अंदर चलता है। तो दो इस पॉइंट के एक बहुत रीजनेबल नेगेटिव भी है जो हम जैसे हमने डिस्कस करा भी अभी, बट इस पॉइंट का एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव भी है। एज समबडी जो एक टाइम पे फुटबॉलर बनने का ड्रीम करता था, भाई आई नो कि इंडिया के अंदर फुटबॉल प्लेयर बनना इज नॉट दैट ईजी टास्क, बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बहुत हार्ड पाथ है, एंड इफ यू गो थ्रू ऑल दैट यू गेट रिवॉर्डेड मोर देन यू टेक्निकली शुड बी डिजर्व्ड दूसरों के ओपिनियन में।
आई डोंट थिंक मैन, आई डोंट थिंक, आई थिंक अगर एक फुटबॉल प्लेयर बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा है हमारे देश के अंदर, तो वो एक इंसेंटिव है यंग लोगों के लिए कि वो इसको एक करियर पाथ की तरह अप्रोच करे। तो ये एक इसका बहुत पॉजिटिव है कि भाई हमारे देश के अंदर अगर तुम जेन्युइनली टॉप लेवल के ऊपर फुटबॉल के अंदर ब्रेक कर पाते हो तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट भी है मेरे ओपिनियन में, नेगेटिव भी इस पॉइंट का, पॉजिटिव भी है इस पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी द यंगस्टर्स। अब ये ऑब्वियसली बहुत बोला जाता है कि ISL के अंदर टॉप लेवल के ऊपर यंगस्टर्स को उस तरीके से इंक्लूड नहीं किया जाता जिस तरीके से किया जाना चाहिए। बट देन एट दी एंड मेरे ओपिनियन में जो लिमिटेड यंगस्टर्स आते हैं दैट काइंड ऑफ अश्योर द क्वालिटी। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट भी है वंस अगेन कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बट देन पॉजिटिव पॉइंट भी है कि यार क्वालिटी अशॉर्ट रहती है कि जो भी आ रहा है वो एक सर्टेन लेवल अचीव करके आ रहा है। इसलिए इस पे लास्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी ओवर यूज ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। नाउ ऑब्वियसली दिस इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट कि यंगस्टर्स और इंडियन प्लेयर्स का इंक्लूजन काफी कम किया जाता है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव है इस पॉइंट का कि ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन प्लेयर्स। बट एट द सेम टाइम इस ओवर रिलायंस ऑफ फॉरेन प्लेयर्स का एक जो बेनिफिट है वो ये है कि यार दे आर इंटरेस्टिंग, देर लेवल्स अहेड, देर लेवल्स अहेड। तो अगर तुम्हें व्यूअरशिप बना के रखनी है ना भाई, तो इन प्लेयर्स का इन प्लेस पर डिपेंडेंट होना जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेवल अबव है। तो मैचेस देखो भाई, तुम्हें पूरी फील्ड के ऊपर जेन्युइनली फॉरेन प्लेयर्स अलग ही दिख रहे होंगे एंड ये फैक्ट है। आई वॉच डिमी पेट्राटॉस लाइव इन द स्टेडियम एंड ट्रस्ट मी मैन, दैट वन गाय और बाकी सारे प्लेयर्स अलग, लाइक ही इज अ लेवल अबव फ्रॉम ऑल ऑफ देम। तो ये जो चीज है ना, दिस काइंड ऑफ ब्रिंग्स इंटरेस्ट इन द गेम। तो उनके ऊपर ओवर रिलायंस समझ आती है किसी पॉइंट तक मुझे, तो क्योंकि एट द एंड व्यूअर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लब फुटबॉल, तो मानो ना मानो भाई, और वो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग पेस के ऊपर है पिछले कुछ सालों से इंडिया के अंदर। नाउ कमिंग टू द गुड लिस्ट, एंड इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट लेट मी टेल यू आई एम गोइंग टू पुट इन क्वालिटी ऑफ फुटबॉल बिकॉज आई टेल यू व्हाई इट इज नॉट एज बैड एज पीपल से। आई एम नॉट सेइंग कि यहां पर हम प्रीमियर लीग यूरोपियन लेवल का फुटबॉल देख रहे हैं, बट इट इज नॉट एज बैड एज पीपल से। ये मतलब मैं जेन्युइनली कह सकता हूँ एंड आई एम विलिंग टू डाई ऑन दिस पॉइंट फॉर रियल। इतना खराब फुटबॉल नहीं है जितना लोग कहते हैं। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत ही टॉप नॉच फुटबॉल है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इतना टॉप नॉच नहीं है, लेकिन उतना खराब भी नहीं है कि लोग कहते हैं अरे यार हमारे स्कूल के अंदर लोग बेटर खेल लेते हैं। हाँ, तुमने प्रॉब्ली बहुत गंदे गंदे मैचेस देखे होंगे, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट वो वैसे गंदे गंदे मैचेस मैंने टॉप यूरोपियन लीग्स के अंदर भी देख रखे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस सीजन लेट्स से कि आई माइट बी लकी, बट मैंने इतने एंटरटेनिंग मैचेस देखे हैं, स्पेशली भाई अगर जब मैं जैसे पंजाब के मैचेस देखने जाता था तो मैंने गोवा के साथ उनका मैच जो देखा, जमशेदपुर के साथ जो उनका मैच देखा, वंस अगेन फॉरेनर्स का इंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है उन मैचेस के अंदर, बट एट द एंड द मैचेस आर एंटरटेनिंग, द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज नॉट एज बैड एज पीपल से। आई एम गोना पुट इट इन गुड क्योंकि इट माइट नॉट बी ग्रेट बट इट इज गुड, इट इज डिसेंट, इट इज एक्सेप्टेबल फॉर द प्राइस। मैं क्वालिटी ऑफ फुटबॉल के नाम पर तुम्हारी आंखों के आगे कोई पट्टी वट्टी नहीं मानना चाहता, मैं तुम्हें बस एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ कि इट इज नॉट एज बैड एज पीपल पोर्ट्रे इट इज। हाँ, आई गेट इट, कुछ प्लेयर्स ऐसे भी है जिनको देख के ऐसा लगता है भाई ये टॉप लेवल पर कैसे खेल रहे हैं, लाइक कैसे खेल रही है, मैं खेल लूँ इससे बढ़िया, एंड मुझे खेलना बिल्कुल भी नहीं आता। बट स्टिल अगर हम बात करें मेजोरिटिवली, मेजोरिटी मैचेस, मेजोरिटी प्लेयर, दे जस्टिफाई दैट लेवल, दे जेन्युइनली जस्टिफाई दैट लेवल। कुछ मैचेस तो इस सीजन इतने एंटरटेनिंग देखे हैं मैंने, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव वॉच्ड इन फुटबॉल ओवरऑल, मजाक से हटके मैं तुम्हें कह रहा हूँ। टीमें एक दूसरे को डोमिनेट कर रही हैं, डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लेयर्स हैं, मैनेजर्स के डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, प्लेयर्स के फर्स्ट टचेस आर टॉप नॉच, एंड यहाँ पे मैं इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ काफ़ी सारे, पार्थिव गोगोई ऐसे कुछ यंगस्टर्स भी है इस वक्त लीग के अंदर बहुत सारे, भाई भर के। यू शुड डेफिनेटली अपने दिमाग से ये चीज हटा दो कि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल बहुत बेकार है। अगर तुम उस हिसाब से देखोगे ना तो तुम्हें जनरली सब कुछ खराब ही लगेगा। अगर तुम एक फ्री माइंड के साथ मैचेस देखोगे तुम बहुत इंप्रेस होगे, अगर वो मैचेस उस हिसाब से होते हैं जिस हिसाब से मैंने देखे हैं भाई, कई भाई आई माइट बी लकी ब्रो, नॉट लाइंग। एंड जैसा मैंने बोला इट इज एक्सेप्टेबल फॉर द प्राइस, इसी से हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द मनी टू कंटेंट रेशियो। भाई देखो, घर पे तुम्हें फ्री में मैच देखने को मिल रहा है टीवी के ऊपर, ठीक है, तुम जियो सिनेमा वगैरह के ऊपर आराम से फ्री में मैच देख सकते हो, वहां जाके टिकट्स ले रहे हो, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया पंजाब की टिकट फ्री मिल रही है, महंगी से महंगी टिकट भी मोहन बगान की होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया के अंदर, बट उसके अलावा भी इन जनरल टिकट्स आर वेरी अफोर्डेबल इन कंपैरिजन टू द अदर स्पोर्ट्स। तो द लेवल ऑफ नंबर ऑफ प्राइस यू आर पुटिंग इन, उस हिसाब से यू आर गेटिंग डिसेंट कॉन्टेंट, द प्राइस टू कॉन्टेंट रेशियो इज गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज गोना बी कल्चर, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम बेंगलुरु जाओ, ठीक है, वहाँ पर जब बसेज आ रही हैं वो फ्लेयर्स जलाकर वेलकम कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मंजापाड़ा को देखो तुम, केरला में जाकर तुम जाओ भाई, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के फैंस देखो तुम, देखो ईस्ट बंगाल मोहन बगान इन क्लब के फैंस देखो तुम, गोवा वगैरह मुंबई को तुम देखो फॉर एग्जाम्पल, तो चाहिए कल्चर बहुत छोटा है बट वो कल्चर एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो तुम्हें चाहिए,
क्योंकि अगर एग्जिस्टेंस ही ना हो तो तुम बिल्ड किसके ऊपर करोगे। तो इंडिया के अंदर ये जो क्लब फुटबॉल से रिलेटेड कल्चर है ना, वो तो जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है। हाँ, आई गेट इट, अगर ये कल्चर एक दूसरे के साथ थोड़ा घुल मिल के रहेगा, जो आई गेट इट वो थोड़े एंटी एक दूसरे के रहते हैं यूजुअली, लेकिन अगर वो थोड़ा घुल मिल के रहेगा, थोड़ा और एक दूसरे के साथ ये लोग इंटरेक्ट करेंगे इन अ पॉजिटिव मैनर, तो वो कल्चर और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा फैलेगा। लेकिन वो कल्चर एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज़ एक वेरी गुड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी कंपेटिटिवनेस। अब ये देखो, ये पॉइंट की एक लिमिटेशन ये कि ये सिर्फ कुछ टीमों के ऊपर ऑब्वियसली अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन बगान, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, ये वो टीमें हैं जो ऑब्वियसली बहुत हाईली कंपेटिटिव है, एटलीस्ट अगर तुम बात करो अपनी लीग तक। एशियन लेवल के ऊपर डिफरेंट बात है, लेकिन अपनी लीग तक दे आर वेरी कंपेटिटिव, ठीक है। तो मोहन बगान के एग्जांपल लो भाई, मैनेजर 3 मैचेस लगातार हारा, सैक कर दिया गया। तो मुंबई का एग्जांपल लो, नया कोच छोड़कर, पुराना कोच छोड़कर गए, नया कोच आया पीटर क्रैट की, उसके ऊपर भी प्रेशर बना के रखा हुआ है कि चाहे तो मिड सीजन आए हो भाई, पर वी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड यू आर गोना हैव टू सस्टेन विद द प्रेशर। कोचेज आर सैक्ड जनरली इफ दे डू नॉट डिलीवर, एंड ये चीज़ें कॉम्पिटिशन यूजुअली बना के रखती है। दिस शोज, इट शोज द कंपेटिटिव स्पिरिट ऑफ इफ नॉट ऑल बट एटलीस्ट सम ऑफ द टीम्स, विच इज अ गुड साइन। शेड्यूल एंड टाइमिंग, इस सीजन अगर तुम देखोगे पर्टिकुलरली तो ऑलमोस्ट हर दिन एक मैच था। टाइमिंग भी तुम देखोगे शाम के 7:30, वीकेंड्स के ऊपर 5:30 एक मैच हो रहा है, शाम को 7:30 दूसरा मैच हो रहा है। काफ़ी फ्रेंडली टाइमिंग है फ्रॉम इंडियन ऑडियंस परस्पेक्टिव। ऑब्वियसली बात है, इंडिया की लीग है तो इंडियन ऑडियंस परस्पेक्टिव से टाइमिंग फ्रेंडली होगी, लेकिन अगर तुम देखोगे आई लीग फॉर एग्जांपल 2-2 बजे दोपहर के मैचेस हो रहे, 4-4 बजे मैचेस हो रहे, 3-3 बजे, तो ये टाइमिंग मेरे हिसाब से थोड़ी उस हिसाब से नाउ आई गेट इट, उसका भी बहुत डिफरेंट रीज़न होता है उन टाइमिंग्स रखने का। बट देन उस परस्पेक्टिव से अगर कोई कैजुअल फैन है फुटबॉल का इंडिया के अंदर, जो रात को जाग कर बाहर की टीम के मैचेस नहीं देख पाता क्योंकि अगले दिन उसे काम पे जाना है, तो मेरे भाई फुटबॉल छोड़ने से अच्छा गिव इंडियन सुपर लीग अ ट्राई, तू देख मैचेस, क्या पता तुझे कोई टीम पसंद आए, क्या पता कोई टीम के साथ तू कनेक्ट कर पाए, क्या पता एट दी एंड तू एक इंडियन क्लब फुटबॉल का फैन बन जाए, यू नेवर नो। एटलीस्ट रात की नींदें नहीं उड़ेगी तेरी, अगले दिन तू ऑफिस के अंदर झपकियां नहीं मार रहा होगा। तो ये चीज़ें आई थिंक इट इज जेन्युइनली अ वेरी बिग पॉजिटिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर्स। और भी काफी सारे पॉइंट है पॉजिटिव में, नेगेटिव में, जो मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर सकता था, बट आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी होने वाली है, तो मैं तुम्हें और नहीं स्ट्रेच करूंगा। ऐसे काफी सारे पॉइंट्स थे जो कैपिटलिज्म से रिलेटेड थे लाइक इन क्लब फुटबॉल, जो कि लोग काफ़ी अगेंस्ट होते हैं, बट क्योंकि मैं पर्सनली कैपिटलिज्म में बिलीव करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपने पर्सनल ओपिनियन से तुम्हारी थिंकिंग चेंज करूँ, लाइक मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ। क्या जो कंपनियाँ चला रही हैं वो सही है, क्या जो कर रहे हैं वो गलत है, क्या प्लेयर्स ये पैसा वैसा, उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। मैंने तुम्हें जेन्युइनली जो पॉइंट मुझे लग रहे थे वो तुम्हें बता दिया। अगर इनके अलावा तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हेल्प मी बिकम अ बेटर फैन ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, मुझे बहुत मज़ा आया भाई ये जो पिछले एक सीज़न गया है इंडियन क्लब फुटबॉल का, ISL का, इट वॉज जेन्युइनली टॉप नॉच, एंड आई होप मैं आगे ही इसी तरीके से टच में रहूँ भाई सबके। बट यू गाइस, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है भाई, मेरी मानो गिव इट फाइव मैचेस, यू नेवर नो, इट माइट बी वे बेटर देन योर इमेजिनेशन ब्रो, क्योंकि मेरे लिए रहा है।